अपन देखते हैं टॉपिक कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके लिए अपन देखते हैं कि कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो जो पी इम्प्लाइज क्यू एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, अपन इसके लिए कन्वर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, ये हो गया कन्वर्स। इनवर्स होगा, दोनों के आगे नेगेशन लगा देंगे। ठीक है, इसके भी आगे नेगेशन लगा दिया, पी के आगे क्यू के आगे नेगेशन लगा दिया, तो ये हो जाएगा इनवर्स कंडीशनल स्टेटमेंट। देन होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अपन को क्या करना है, इनवर्स जो बनाया अपन ने उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, इनवर्स का कन्वर्स कर देना अपन को, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में अपन ने क्या देखा, पी इम्प्लाइज क्यू है तो अपन को क्या करना है, क्यू इम्प्लाइज पी। और इनवर्स में क्या देखा, पी इम्प्लाइज क्यू के आगे अपन को दोनों तरफ नेगेशन लगा देना है, और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो दरअसल इनवर्स का भी कन्वर्स है। ठीक है, तो वो क्या है, अपन को उल्टा तो करना ही है, उसके आगे नेगेशन भी लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। ये तीनों चीज अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंजक्शन। ठीक है, नेगेशन दे रखा है पी एंड क्यू, तो इसके जब अंदर मतलब जब ब्रैकेट के अंदर अपन नेगेशन ले जाएंगे तो वो क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो क्यू था वो नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा जब अपन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ले जाएंगे। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन वो क्या होगा, जब इसके अंदर ले जा रहे अपन तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी जो और है वो हो जाएगा एंड में कन्वर्ट, और जो क्यू था वो हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू में कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेगेशन ऑफ कंडीशनल। तो नेगेशन ऑफ कंडीशनल अपन ने अभी वो देखा था लॉजिकल इक्विवेलेंस में, वो क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू होता है, किसके इक्विवेलेंस होता है, यही होता है। ठीक है, अब अपन इसका नेगेशन ले रहे हैं तो इसका नेगेशन होगा ये पी, इसका अगर अपन नेगेशन लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, तो वो होगा पी जो ये वी है और है वो जाएगा एंड में। ठीक है, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, देन लास्ट वाला है डबल इम्प्लाइज और पी से क्यू में, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला देख लेना, ये होता है वैसे वी और फिर ये हो जाता है क्यू। ठीक, देन ये जो होगा ये होता है एंड और ये होता है नेगेशन ऑफ क्यू वी पी। तो इससे अपन इसको नेगेशन इसका निकालेंगे बाय कंडीशनल का, तो वो ये आएगा, इसका नेगेशन लेंगे तो नेगेशन ऑफ पी होगा और फिर एंड को अपन वी में कन्वर्ट कर लेंगे या वी को एंड में कन्वर्ट कर लेंगे और क्यू को नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा ये, फिर जो वी है जो यहाँ एंड है वो हो जाएगा वी में कन्वर्ट जब, और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा क्यू में कन्वर्ट, और जो और है यहाँ हो जाएगा एंड में कन्वर्ट, और जो यहाँ सिंगल पी था वो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी में कन्वर्ट। तो अपन ने नेगेशन देख लिया, अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन, प्यारा था क्वेश्चन है ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, 9th January 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, द नेगेशन ऑफ अंडर रूट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये अपन पी मान लेते हैं, पी क्या है, अंडर रूट 5 इज एन इंटीजर, क्यू क्या है, 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दे दिया अपन को क्यू, बीच में क्या दे रखा है और, तो और को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका अपन को नेगेशन निकालना है, तो पी और ये क्यू, इसका निकालना है अपन को नेगेशन। ठीक है, तो क्या आएगा, नेगेशन होगा इसका नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा, तो अपन को देखना है अंडर रूट 5 इज एन इंटीजर, तो ये आएगा इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया अपना। ठीक है, लास्ट वाला सेकंड देखते हैं, और फिर क्या है, एंड आना चाहिए, तो इसमें और आ रहा है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब अपन को दो ही देखना है, अंडर रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर दोनों में आ रहा है, एंड 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्या लिखा, नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4th अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था और हो गया अपना।